नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ हो रही एक के बाद एक कार्यवाही के बाद अब कबीरधाम पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। नक्सलियों पर जवान भारी पड़ते दिख रहे हैं और नक्सली अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। प्रदेश के बॉर्डर के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इलाकों में नक्सली पहुंच सकते हैं। अब इस भनक के बाद कबीरधाम पुलिस भी सख्त हो गई है। बता दें कि नक्सलियों की धरपकड़ के लिए एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने एक बड़ी घोषणा करते हुए सूचना देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम और पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने की घोषणा कर दी है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ एक के बाद एक कार्यवाही चल रही है। चुनावी सभा में गृह मंत्री ने भी छत्तीसगढ़ को नक्सलियों के सफाए का ऐलान कर दिया है। वहीं इस बीच कबीरधाम पुलिस ने भी एक अनोखी पहल करते हुए नक्सलियों के सूचना देने वालों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। अब इसके लिए जगह जगह पर्चे भी भेजे जा रहे हैं। जिले के नक्सल प्रभावित बॉर्डर के गांवों में 35,000 लोगों के मोबाइल पर इसका मैसेज भी पुलिस ने भेजा है, जिसमें ये कहा गया है कि नक्सलियों की सूचना देने, सरेंडर करवाने और एनकाउंटर में नक्सली के मारे जाने पर सूचना देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम तुरंत दिया जाएगा। साथ ही पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी दी जाएगी। एसपी के ऐलान की चर्चा प्रदेश में जोरों पर हो रही है। बता दें कि इस घोषणा का ग्रामीणों की तरफ से अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। बॉर्डर इलाकों पर कैंप खोले जा रहे हैं। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ हो रही कार्यवाही के बाद नक्सली नए ठिकाने खोज रहे हैं। अभी जिले में 17 इनामी नक्सली हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं कोशिश की जा रही है कि जल्द ही कबीरधाम को पूरी तरह से नक्सल मुक्त कर दिया जाए। इसके पहले पुलिस ने इलाके के नक्सलियों की सूची भी जारी की है। क्षेत्र में 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक के कुल 17 इनामी नक्सली मौजूद हैं।